साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। 72 घंटे पहले एक मछुआरे की हुई हत्या के मामले से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के सगे भांजे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बबूल का डंडा तथा नाव की पतवार भी बरामद की है। पुलिस लाइंस झांसी के सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीणा ने बताया कि 72 घंटे पहले लहचूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरुआ माफ के निकट धसान नदी के पास 52 वर्षीय भैयालाल का रक्त रंजित शव बरामद किया गया था। इस मामले में फॉरेंसिक टीम भी लगाई गई थी। छानबीन के उपरांत पुलिस ने भैयालाल के भांजे राजेंद्र निवासी मऊरानीपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान राजेंद्र ने बताया कि वह पिछले 3-4 दिनों से अपने मामा भैयालाल के साथ मिलकर मछली पकड़ने का काम कर रहा था। उसके गांव में उसकी छवि खराब होने के कारण भैयालाल की पुत्री उषा ने उससे घर से चले जाने के लिए कहा। इस पर उसने भैयालाल से 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मांगी, लेकिन भैयालाल ने उसे 200 रुपये के हिसाब से मजदूरी लेने के लिए कहा। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। घटना वाले दिन जब रात्रि में भैयालाल नदी किनारे सो रहा था, तभी राजेंद्र ने उस पर बबूल के डंडे से कई वार किए। इससे वह लहूलुहान होकर अचेत हो गया। इसके बाद भी राजेंद्र को संतुष्टि नहीं हुई तो वह दौड़कर नदी किनारे खड़ी भैयालाल की नाव की पतवार उठा लाया और उससे भी कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद उसने भैयालाल की जेब से उसका मोबाइल फ़ोन तथा 200 रुपये निकाल लिए। रक्त से सने बबूल के डंडे को उसने झाड़ियों में छुपा दिया। इसके बाद भैयालाल की नाव लेकर वह धसान नदी के कई किलोमीटर आगे गया और नाव में पानी भरकर नाव को डुबो दिया। नदी में ही उसने खून से सने अपने कपड़े धोए और इसके बाद 3 दिन तक एक मंदिर के पास बैठकर शराब पीता रहा। गत दिवस वह ग्राम सोनकपुरा की ओर जा रहा था, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से भैयालाल का मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है, जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त किए गए डंडे तथा पतवार को बरामद कर सील कर दिया गया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। दिवस पूर्व थाना लहचूरा में एक अधेड़ की हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें तत्काल मौके पर पहुंचा गया, जिसमें डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम के साथ साथ अन्य टीमें पहुंची। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया, जिसमें ये तथ्य निकल के आया कि किसी नॉन के द्वारा हत्या करी गई है। पूछताछ अन्य तथ्यों के आधार पर सर्विलांस और अन्य माध्यमों से पुलिस ने इस घटना को वर्कआउट किया, जिसमें मृतक के भांजे के द्वारा घटना कारित करी गई, साथ ही साथ मोबाइल इत्यादि भी ले जाया गया। पूछताछ में उसने ये बताया कि पैसे के लेन देन में मामा को उसने मारा है, साथ ही साथ उसका कहना था कि पारिवारिक विवाद भी उसका कंटिन्यू चल रहा था, उसी के तहत पहले लकड़ी से मारा, फिर उसके बाद में जो पतवार है उससे कुचल के मामा की हत्या कर दी। मोबाइल के साथ साथ अन्य जो चीज़ें हैं वो बरामद हुई हैं, जो हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल है वो बरामद हुआ है। तो 72 घंटे के अंदर झांसी पुलिस लहचूरा पुलिस ने घटना का अनावरण कर दिया है। इसके लिए लहचूरा पुलिस को उनकी टीम को 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, पुलिस ने बहुत सारे तथ्यों को जाना पहचाना, पड़ताल करी, डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम के साथ साथ सर्विलांस की मदद ली गई। उसमें मृतक के कॉल से किसी के द्वारा कॉल किया गया था उसको आधार बनाया गया, साथ ही साथ जो आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ करेगी तो उन्होंने ये बताया कि चूंकि मृतक का भांजा भी यहाँ पे था लेकिन वो गायब था, तो उसके आधार पर पुलिस ने इस घटना को वर्कआउट किया। सर, जो भांजा है क्या उसका कोई पुराना आपराधिक है? नहीं, भांजे का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन चूंकि आपस के वाद विवाद में हत्या करी गई है तो वो जो घटना है उसमें प्रयुक्त आला कत्ल है, मोबाइल है, वो सब पुलिस ने बरामद किया। कितने रुपये का सर विवाद था इसमें? जो लोगों ने बताया है उसके अनुसार, साथ ही साथ जो आरोपी है उसने बताया कि वो मजदूरी के 500 रुपये मांग रहा था पर डे के हिसाब से, जबकि उसका मामा 200 रुपये दे रहा था, और 300 रुपये के विवाद में ये हत्या कारी थी। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।